तो कहानी की शुरुआत में हम सेंग नाम के एक जवान शख्स को देखते हैं, जिसकी शादी शहर की सबसे पावरफुल हस्ती मास्टर आयरन के बेटे युंग से कर दी जाती है। सुहागरात की रात सेंग को यह जानकर बड़ी खुशी होती है कि उसकी बीवी एक वर्जिन है। दरअसल युंग को सेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो यही बताया गया था कि शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट होना एक पाप है। इधर सेंग भी पूरी शिद्दत के साथ युंग की अनबॉक्सिंग करने लग जाता है, और जैसे ही वो युंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, युंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। अगले दिन सेंग युंग को एक कामासूत्र वाली किताब दिखाता है, जिसमें कई सारे इंटरेस्टिंग पोजीशंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। युंग ये सब देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है, और फिर दोनों मिलकर दिन रात पलंग तोड़ने लग जाते हैं। अगली सुबह एक मॉन्क सेंग से कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ खास चीज का बंदोबस्त किया है। फिर वो सेंग को दो खूबसूरत लड़कियों से मिलवाता है, जिन्हें देखकर सेंग के मुंह से लार टपकने लगती है। वो उस मॉन्क को इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के देता है, और फिर उन दोनों लड़कियों को पटाने की कोशिश में लग जाता है। सेंग उन लड़कियों को भी वही कामासूत्र वाली किताब दिखाता है, बट अफसोस उसकी दाल नहीं गलती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बरसात की सुहानी रात में वो दोनों बहनें सेंग की दी हुई किताब को पढ़कर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है, और दोनों एक बांसुरी की मदद से खुद को चरम सुख देने की कोशिश कर रही होती है। इधर कुनलिन सेंग को वो सारे पैसे वापस लौटा देता है। सेंग कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम ये सारे पैसे अपने पास रख सकते हो, बट बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम तो काफी घरों में घुसकर चोरी करते हो, ठीक वैसे ही मेरे लिए भी कोई सुंदर सी लड़की का बंदोबस्त करो ना, जिसके साथ मैं टपाटप कर सकूं। कुनलिन कहता है कि लड़कियों का बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा, पर क्या तुम उन्हें संतुष्ट कर पाओगे? सेंग कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ो। कुनलिन भी उसकी मदद करने का वादा करके वहां से चला जाता है। रात में कुनलिन सेंग को एक सिल्क शॉप के ऑनर के यहाँ ले जाता है, जहाँ छत पर छिप कर दोनों उसकी बीवी को तारने लग जाते हैं। सिल्क शॉप के ऑनर का नाम वांग था। उसकी बीवी सिल्क को अरेंज करने के दौरान फिसल कर नीचे गिर जाती है, और उससे फैब्रिक का एक टुकड़ा फट जाता है। इसी वजह से वांग अपनी बीवी पर गुस्सा हो जाता है, और उसे सजा के तौर पर उसकी पुंगी बजाना शुरू कर देता है। ये सब नजारा छत पर छुपे सेंग और कुनलिन बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। कुनलिन सेंग से कहता है कि वांग तो 2 घंटे तक लगातार बैटिंग कर सकता है, और तुम तो पहले ही ओवर में आउट हो जाते हो, तुम कैसे उसकी बीवी को संतुष्ट कर पाओगे? मैं तुम्हारी तभी मदद करूंगा जब तुम्हारा छोटा चेतन किसी घोड़े के गन्ने जैसा ना हो जाए। इधर युंग अपने पति सेंग की याद में रात दिन तड़प रही होती है, और हस्त मैथुन कर करके खुद को दिलासा देती रहती है। सेंग इस बात से काफी उदास होता है कि उसका छोटा चेतन वाकई में बहुत छोटा है। गुस्से में आकर वो अपने छोटे चेतन को चाकू से काटने ही वाला होता है कि तभी उसका चेला वहाँ आ जाता है, और अपने मालिक को यह कांड करने से रोकने लगता है। दोनों के बीच इस हाथापाई में सेंग अपने चेले के छोटे चेतन का ही मर्डर कर बैठता है। सेंग अपने चेले के बड़े चेतन को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, अबे साले, मुझसे बड़ा तो तेरा निकला। फिर सेंग अपने चेले की मरहम पट्टी करवाने डॉक्टर के पास लेकर जाता है, बट उस दिन डॉक्टर की क्लिनिक बंद होने के कारण वो उसे पास ही के एक लोकल सर्जन के पास ले जाता है। वो सर्जन सेंग को बताता है कि वो सेक्सुअल ऑर्गन्स की भी सर्जरी कर सकता है। सेंग फिर उस सर्जन से कहता है कि प्लीज मेरे छोटे चेतन को हटाकर घोड़े के गन्ने को सेट कर दो। सर्जन भी राजी हो जाता है। बिना टाइम गवाए सेंग अगले ही दिन एक तगड़े से घोड़े को लेकर आता है। फिर क्या था, सर्जन का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और अब सेंग के पास घोड़े की हथियार थी। अगले दिन सेंग कुनलिन को वापस बुलाता है, और उसे घोड़े के हथियार के बारे में याद दिलाता है। कुनलिन भी सेंग के हथियार को देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है कि इसे खड़ा करके दिखाओ। सेंग काफी कोशिश करता है, पर उसका बड़ा चेतन खड़ा नहीं हो पाता। कुनलिन फिर गुस्सा हो जाता है, और जैसे ही सेंग के हथियार को अपने तलवार से काटने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी सेंग का हथियार खड़ा होकर उसे सलामी देने लग जाता है। सेंग एक बार फिर से उस सिल्क शॉप में जाता है, जहां वो वांग की बीवी को बातों ही बातों में अपने जाल में फंसा लेता है। तभी पता नहीं कहां से उसका हस्बैंड वांग वहां आ जाता है, और सेंग के ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर देता है। लेकिन सेंग भी काफी चालाक था, वो अपने साथ कुनलिन को भी लेकर आया था। कुनलिन फिर वांग की राम धुलाई कर देता है। वांग फिर अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतारता है, और शहर से बाहर जाने से पहले उसे खूब मारता है। वांग के शहर से बाहर चले जाने के बाद सेंग एक बार फिर से उसकी बीवी के पास आता है, और अपनी बातों में फंसा कर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यहाँ हम ऑडियंस को पता चलता है कि वांग शहर जाने से पहले अपनी बीवी की नीचे वाली तिजोरी में ताला लगा कर गया था। सेंग कहता है कि तुम इसकी जरा सी भी टेंशन मत लो,
फिर वो कुलिन को बुलाता है जो कि उस ताले को एक ही झटके में खोल देता है। इसके बाद सेंग वोंग की बीवी की पुंगी बजाना शुरू कर देता है, जिसमें उसकी बीवी भी उसका भरपूर साथ निभाती है। ये सारा कांड वोंग की पड़ोसी एक खिड़की से देख रही होती है और जब वोंग शहर से लौटता है तो उसे बता देती है। वोंग गुस्से में सेंग का काम तमाम करने उसके पास पहुंचता है, लेकिन कुनलिन को उसके साथ देखकर वो कुछ भी कर नहीं पाता। वोंग कुनलिन से कहता है कि मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए, जिसके बदले में मैं अपनी बीवी को इसके हवाले कर दूंगा, नहीं तो मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। सेंग भी इस डील के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंग उन दो लड़कियों के घर भी जाता है जिनसे उसकी मुलाकात फिल्म के शुरुआत में हुई थी। ये दोनों लड़कियां असल में एक बाइसेक्सुअल बहनें होती हैं। सेंग भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उनमें से एक की पुंगी बजाना शुरू कर देता है। इधर वोंग मास्टर आयरन के यहाँ माली की नौकरी में लग गया था और सेंग अभी भी उन बहनों के घर में उनके मजे ले रहा था। एक दिन अचानक उन बाइसेक्सुअल बहनों में से दूसरी बहन को सेंग के घोड़े वाले हथियार के बारे में पता चल जाता है। वो सेंग को एक सीक्रेट जगह में लेकर जाती है जहाँ काफी सारी खूबसूरत लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। सेंग कुछ समझ नहीं पाता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसे बताया जाता है कि उसे यहाँ सिर्फ मस्ती करने के लिए लाया गया है। ये सुनकर सेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो वहाँ मौजूद सारी औरतों की पुंगी बजाना शुरू कर देता है। इधर यूंग नहाने के लिए एक बाथटब में जाती है और सेंग को याद करते करते हस्तमैथुन कर रही होती है। तभी अचानक से वोंग उस बाथटब में आ जाता है और यूंग को पकड़कर पानी के अंदर ही धुआंधार घपाघप करने लग जाता है। वोंग की परफॉर्मेंस देखकर यूंग उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों के बीच ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद यूंग वोंग के साथ भाग जाती है और अपने पापा मास्टर आयरन के लिए एक खत छोड़ जाती है। उसमें लिखा होता है कि वो वोंग के साथ बहुत खुश है और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन असल में वोंग के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसे यूंग से प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ उसके पति सेंग से अपना बदला लेने की फिराक में था, जिसने उसकी बीवी उससे छीन ली थी। वोंग फिर यूंग को एक कॉल गर्ल सर्विस वालों के हाथों बेच देता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और अब यूंग अपनी इस नई जिंदगी में ढल चुकी होती है। उधर सेंग की भी हद से ज्यादा लड़कियों के साथ नॉनस्टॉप घपाघप करने की वजह से हालत खराब हो चुकी होती है। कुनलिन फिर उसे अपना इलाज करवाने के लिए एक ब्रोथेल में जाने के लिए कहता है। वो अपना इलाज करवाने उसी ब्रोथेल में जाता है जहाँ उसकी बीवी एक टॉप रेटेड प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। यूंग सोचती है कि मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा तो कभी नहीं था, यह मेरा हस्बैंड सेंग तो नहीं हो सकता। इधर सेंग की भी आंखें कमजोर हो चुकी थी और वो भी अपनी बीवी को पहचान नहीं पाता, पर घपाघप के दौरान सेंग यूंग को पहचान लेता है। शर्म के मारे यूंग एक कमरे में चली जाती है और फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। सेंग को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने एक मॉन्क के पास चला जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।